तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि ये वाला सीन मैंने ब्लेंडर में कैसे बनाया। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा डिटेल में। और उससे पहले एक चीज़ और है, जिन लोगों ने भी ये सारे कमेंट्स किए थे वो प्लीज़ लास्ट तक का वेट कर लेना। आप लोगों के लिए मैंने एक सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है, तो लास्ट तक का वेट करना प्लीज़। तो चलिए पहले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए गाइज़ अपना ब्लेंडर ओपन करते हैं और अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ मैंने अपना जो 3D मॉडल है अपने प्रोजेक्ट में पहले से इंपोर्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। ओके, तो मेरा ये 3D मॉडल आ चुका है, ठीक है। तो 3D मॉडल आने के बाद अब यहाँ पे मुझे कुछ जो है यहाँ पे प्लैनेट्स वगैरह ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं प्लैनेट्स वगैरह ऐड कर लेता हूँ। एक मिनट, पहले मैं अपने स्पेस नहीं आया, यहीं पर रहने देते हैं। ओके, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक सन ऐड करूँगा, तो मैं सन सर्च करूँगा एंड एंटर कर दूँगा। और इसके बाद हमें बहुत सारे सन वगैरह देखने को मिल जाएंगे और उनको ऐसे यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। और ठीक है, फिर उसको सेलेक्ट करके एक मिनट 7 प्रेस करेंगे नम पैड पर, तो ये टॉप व्यू पर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा जी प्रेस करके थोड़ा स्लाइड करूँगा इस तरफ और इसको बड़ा करेंगे, इतना इतना बहुत है। मुझे पता है कि ये मतलब इसके साइज़ के हिसाब से तो बहुत छोटा है, एक स्टार का साइज़ बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हम इसको कुछ ऐसे दिखाने वाले हैं कि बहुत दूर है, समझ रहे हो? क्योंकि अब इसमें मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स की दूरी तो नहीं दिखा सकते हम डायरेक्टली ब्लेंडर के अंदर, तो हमें यहाँ पर सिर्फ एक इल्यूज़न क्रिएट करना है कि बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। अब ऐसा लगेगा कि बहुत करोड़ों मील दूर है यहाँ से, ठीक है, बाकी इतना ठीक है मेरे हिसाब से। ओके, तो इसके बाद हमें यहाँ पे ऐड करना है, जैसे मैंने कुछ ऐड किए थे, जैसे कि प्लैनेट्स, ठीक। मैं यहाँ पे प्लैनेट सर्च कर देता हूँ, और यहाँ पे जैसे मैं प्लैनेट सर्च करूँगा बहुत सारे प्लैनेट्स आ चुके हैं। तो चलिए अभी के टाइम पे मैं ये वाला 3D मॉडल यूज़ कर लेता हूँ, उस टाइम मैंने और दूसरा 3D मॉडल यूज़ किया था, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ जिससे कि ये दिखे हमारे व्यूपॉइंट में। ओके, इतना नहीं इतना नहीं इतना नहीं, ओके, मेरे हिसाब से इतना इतना काफ़ी है, ठीक है। और चाहे तो हम सन का साइज़ और थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं और इसको, सॉरी, इसको थोड़ा सा और मूव करा के यहाँ तक इतना, इसको हल्का सा और बड़ा कर लेते हैं। ओके, तो इतना होने के बाद मैंने और जो जो चीज़ें ऐड की हैं मैं वहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। और देखो, मैंने यहाँ पे एक सैटर्न ऐड किया था, वो मैंने इसका मून की तरह दिखाया था, वैसे वो सैटर्न है, ठीक है, दिखने में सबको पता चल रहा है सैटर्न है, लेकिन मैंने थोड़ा अलग टाइप का दिखे तो इस वजह से यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, लाइक इतना इतना काफ़ी है, ठीक है। इसको हल्का सा तिरछा कर लेते हैं जैसे और एक्चुअल में सैटर्न होता है। और उसके बाद एक और कुछ हमें मून टाइप का कुछ ऐड करना है, तो ये वाला नहीं, चलो ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा येलो टाइप का है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है, मैं तो इसको थोड़ा सा स्केलअप कर लूँगा, तो इसको इसका स्केल थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये मैं चाहता हूँ कि इसके कंपैरिजन में थोड़ा छोटा दिखे, ठीक है। इनके एक्सेस मतलब इनके जो, तो इनके थोड़ी हाइट और एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, इतना ठीक है। ओके, मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है, ठीक है। और जो चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने एक ब्लैक होल भी यहाँ पे ऐड किया था वैसे, और मैं यहीं से एक ब्लैक होल भी ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अब वो आपकी मर्ज़ी है कि आप यहाँ इसको किस किस तरीके से कैसे कैसे कहाँ कहाँ तक यूज़ करना चाहते हो, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, मैं जस्ट बता रहा हूँ। एक मिनट, हमारा ब्लैक होल ये है। ओके, तो ब्लैक होल थोड़ा छोटा रखेंगे जिससे कि ऐसा लगे कि ये बहुत ज़्यादा दूर है, ये मतलब बहुत ज़्यादा दूर है ऐसा, ठीक है। ओके, इतना करने के बाद मैं एक यहाँ पे एक गैलेक्सी और ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो में एक गैलेक्सी भी ऐड की थी, तो गैलेक्सी मैंने सर्च किया एंड यहाँ पे देखो ये वाली गैलेक्सी को मैंने यूज़ किया है।
ठीक है, आपका जो मन करे आप वो यूज़ करके देख लेना। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, लाइक इतना, ठीक है। और यहाँ से मैं इसका साइड व्यू चेक कर लेता हूँ। तो मैं इसको थोड़ा सा सॉरी, इसको थोड़ा सा ऐसा रोटेट एंड इसको थोड़ा सा नीचे एंड स्केल अप, हो गया। इतना मेरे लिए काफ़ी है, ठीक है, क्योंकि हम इनको ऐसे ही दिखाएंगे। और इसके पहले कि ये कुछ प्रॉब्लम हो, इससे पहले आप कंट्रोल प्लस ऐसे दबाकर इसको सेव कर लेना, ठीक है। तो इतना करने के बाद ये चीज़ें लगभग लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं मेरी। ओके, तो अब इसके बाद जैसे मुझे यहाँ पे इसको एनिमेट कराना है। ओके, तो सबसे पहले मैं अपने ओरिजिन को, अपने वर्ल्ड मतलब अपने कर्सर को ओरिजिन वर्ल्ड ओरिजिन पर ले आऊँगा, ठीक है। ओके, तो मैं स्कैन प्रेस करूँगा टॉप व्यू के लिए। ओके, अब यहाँ पे मुझे एक पाथ ऐड करना है जिससे कि हमारा स्पेसशिप जो है मूव करेगा। ओके, मैं यहाँ पे एक पाथ ऐड कर लिया है मैंने, और इसको स्केल अप करते हैं जिससे कि हमें दिखे किधर है। ओके, अब इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ इतना इतना, ठीक है मेरे लिए। ओके, और इसको ठीक है, अब इसको एडिट मोड में लेके जाएंगे एंड यहाँ पे एक सेलेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा इस साइड पर ले जाएंगे, क्योंकि देखो अगर हम ऐसे लेके जाएंगे तो इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बहुत दूर तक लगता है एक स्टार का। तो उतने ज़्यादा साइंस में ना घुस के हम बस नॉर्मल नॉर्मल करेंगे चीज़ें, ठीक है इतना। ओके, एक्सट्रूड कर लेते हैं और एक्सट्रूड करते हैं और इसको थोड़ा सा इस साइड पे मूव कर दें और एक्सट्रूड करते हैं इतना, और इसको थोड़ा सा जी करके इस तरह से रखते हैं एंड फिर इसको एक्सट्रूड, फिर एंड फिर सॉरी, मुझे थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है इसके अंदर। ओके, तो ठीक है, तो इस टाइप की कुछ इसको राउंड शेप दे देनी है, ठीक है। और उसके बाद एडिट मोड से बाहर आ जाना है और सेव कर लेना है, कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए बाद में। ओके, चलो मैं इससे पहले कि इसको एनिमेट करें हम, मैं इसका वो दिखा देता हूँ कि ये कैसा दिख रहा है दिखने में, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक HDRI का यूज़ किया है, ठीक है, ये वाली HDRI है, तो मैंने इसका यूज़ किया जो कि मतलब हमें काफ़ी सारे स्टार्स इसी के अंदर देखने को मिल जाते हैं, हमें अलग से PNG वगैरह ऐड करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो इसमें कुछ नेबुला वगैरह भी बने हुए हैं, तो ये काफ़ी काफ़ी ठीक था मेरे लिए, तो मैंने यहाँ पे ये वाला यूज़ कर लिया, ठीक है। अगर मैं दिखाऊँ अलग अलग डायरेक्शन से तो देखो ये कुछ इस टाइप का व्यू भी दिखता है, तो काफ़ी सही लगता है, ठीक है। ओके, अब आते हैं हम इसको एनिमेट कराते हैं, ठीक है। तो अपने सबसे पहले हमने एनिमेट कराने के लिए हमने अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिसको पाथ के ऊपर मूव कराना है, उसके बाद आ जाना है कॉन्स्टेंट वाले टैब में। तो उसके बाद आ जाना है कॉन्स्टेंट वाले टैब में एंड यहाँ पर हमें फॉलो पाथ पे क्लिक करना है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट को अपने यहाँ पर पिक कर लेना है। ओके, हाँ, यहाँ पे फॉलो कर्व पे भी क्लिक कर देना है। ये सॉरी, ये उल्टा घूम रहा है, कोई बात नहीं, हम इसको रोटेट कर लेते हैं। ओके, तो ये रोटेट हो चुका है, एक बार देख भी लेते हैं कि ये कर्व को अच्छे से फॉलो कर भी रहा है। तो देख सकते हो ये कर्व को अपने बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है। ओके, तो ये काफ़ी सही है, ठीक है, इसको ज़ूम कर लेता हूँ वापस में, ठीक है, सेव कर लेता हूँ। अभी इस टाइम जो है हमें इस पर सॉरी, इसका जो थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं हम घुमा करके, मुझे थोड़ा सा तिरछा लग रहा है, एक इतना इतना काफ़ी ठीक है। अब जैसे कि समझो कि मुझे इसको एनिमेट कराना है,
जैसे जैसे मैंने अपनी वीडियो में किया था एक्चुअली, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करता हूँ, इसके बाद मैं इसको मूव करता हूँ, सॉरी ओके ठीक है, इसके बाद मैं इसको मूव करता हूँ ऐसे। मुझे 190 पे इसका नेक्स्ट की फ्रेम चाहिए। ओके तो मैं इसको ले जाता हूँ लास्ट एनिमेशन तक, जहाँ तक मुझे चाहिए। ओके तो मुझे इसकी इतनी एनिमेशन चलेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्टार्टिंग से अगर हम प्ले करेंगे तो यहाँ पर देखो ये अच्छे से एनिमेट हो रहा है, ठीक है ओके। लेकिन अभी भी इसमें थोड़ी सी कमी दिख रही है मुझे, अब मैं बताता हूँ कमी क्या है। तो जैसे मतलब हम रॉकेट वगैरह या फिर एरोप्लेन वगैरह का मतलब घुमाते हैं, तो वो थोड़ा सा मतलब एक साइड उसका थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी करने वाले हैं हम लोग। ओके तो यहाँ पे ठीक है, आर प्रेस करता हूँ मैं और थोड़ा सा रोटेट करता हूँ अपने हिसाब से, और थोड़ा बहुत ऐसे। ओके यहाँ पे आई प्रेस कर देना जिससे कि की फ्रेम लग जाएगा। ओके और जैसे और ज़्यादा ये यहाँ पे घूमेगा तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा और ज़्यादा इसको रोटेट करवा दूँगा, या फिर इतना ठीक है, नहीं थोड़ा सा और, मेरे हिसाब से थोड़ी सी ज़रूरत है इसे अभी भी और रोटेट करने की। ओके आई थिंक इतना इतना काफ़ी है, ठीक है तो इतना सही है। ओके तो एक चीज़ और है, जो हमारी जो स्पेस के अंदर जो भी मूवमेंट होती है वो कॉन्स्टेंट होती है, मतलब लिनियर होती है, तो हम इसको भी लिनियर करेंगे। ओके तो ठीक है, ये लेनियर मैंने कर दिया है, तो अब ये जो है एक सेम स्पीड से ही पूरा के पूरा एनिमेशन पूरा करेगा, ठीक है तो देख सकते हो। ओके ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट। अब इसकी जो लाइटिंग सेटअप है, थोड़ा सा लाइटिंग करना पड़ेगा, चाहे हम यहाँ पे सन लगा लें है ना, फिर भी कोई 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 फ़र्क नहीं पड़ता उससे उतना ज़्यादा, हमें यहाँ पे लाइट क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लाइट लगाता हूँ एक, मुझे सन क्रिएट करना है, ठीक है ओके। तो मैं सन को कुछ इस तरीके से करता हूँ, इतना रोटेट कर लेता हूँ, ये काफ़ी है ओके काफ़ी है। एक बार टॉप व्यू से और देख लेते हैं, टॉप व्यू से और थोड़ा सा रोटेट करने की ज़रूरत है इसे, हमें बिल्कुल सन के ऊपर इसको पॉइंट करना है, या फिर सन इसके डायरेक्शन के लिए। ओके इतना परफेक्ट है, सेव कर लेता हूँ एक बार फिर से, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख सकते हो लाइटिंग वगैरह स्पेस की इतनी ही होती है लगभग, है ना, तो इतना मेरे हिसाब से काफ़ी है, ठीक है काफ़ी है। तो अब इतना हो गया, अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, मैंने इसके जो अपने स्पेसशिप के जो थ्रस्टर्स हैं ना, उनको कैसे बनाया, देखो वो एक्चुअल में मैंने खुद से नहीं बनाए, वो मैंने बने बनाए ही यूज़ किए हैं। कहाँ चला गया हमारा स्पेसशिप, हाँ मिल गया। देखो अभी मैंने इनका इमिशन जो है ज़ीरो किया हुआ है, मैं जैसे इमिशन बढ़ाऊँगा तो ये ग्लो हो जाएंगे, ठीक है। ये पहले से ही एनिमेटेड हैं, ठीक है, मैं फिर भी एक बार दिखा देता हूँ मैंने कहाँ से लिए। ओके थ्रस्टर, ओके मैं थ्रस्टर यहाँ पे सर्च किया, ओके आ जा भाई, ये वाला जो थ्रस्टर है ना, थ्रस्टर फ्लेम एनिमेटेड, ये वाला मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। और इसको थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लेना तो ये एकदम बेटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ही सारी चीज़ें थी इसमें, और इतना ज़्यादा कुछ खास था नहीं, है ना। और बाकी जो मैंने कंपोजिटिंग की है वो आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर की है, और कैमरा वगैरह आप अपने हिसाब से वो ऐड कर लोगे, मैं जानता हूँ, ठीक है, कैमरा वगैरह कैसे ऐड करना है वो सब आप करना जानते हो ऑलरेडी। तो मैं इसको यहाँ पे सेव करके रख लेता हूँ, और यहाँ पे शायद मैंने ब्लैक होल नहीं दिखाया कैसा दिख रहा है, चलो एक बार दिखा देता हूँ। ओके तो यहाँ पर जो हमारा ब्लैक होल है वो कुछ इस टाइप से दिखाई दे रहा है, ठीक है, और बाकी रेंडर में काफ़ी अच्छे से दिखाई देगा।
तो गाइज आफ्टर इफेक्ट्स ओपन हो चुका है, तो यहाँ पर मैं न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ एंड कम क्रिएट फ्रॉम फुटेज। तो मेरी ये वाली फ़ाइल है, ठीक है, मैं इसको इम्पोर्ट कर लेता हूँ। देखो अब यहाँ पे अगर मैं इसको प्ले करूँगा ना, तो ये जो है ना, यहाँ पे कुछ हीट वगैरह दिख नहीं रहा है एक्चुअल में, जबकि जो ये स्टार है ये बहुत ज़्यादा हीट है इसके अंदर। तो इसके लिए हमें टर्बुलेंस डिस्प्लेज लगाना पड़ेगा, टर्बुलेंट डिस्प्लेज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ टर्बुलेंट, ओके। तो यहाँ पर हमें टर्बुलेंट डिस्प्लेज मिल चुका है, पर उससे पहले हम इस फुटेज को कंट्रोल प्लस डी से डुप्लीकेट कर लेते हैं, और इसके बाद अपने टर्बुलेंस पर डिस्प्लेज को अपने ऊपर वाली लेयर पे छोड़ देते हैं। तो देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा बिगड़ गया है, तो इसका साइज़ अपने हिसाब से देख लेना है, ठीक है। तो मुझे इतना काफ़ी ठीक लग रहा है, ओके। और इसके बाद मुझे इसका पॉइंट कहाँ पे रखना है, तो मैं यहाँ पे रखना है मुझे पॉइंट, ठीक है। तो इतना मेरे हिसाब से ओके है। अब इसके बाद ये पूरी फुटेज पे अप्लाई हो रहा है, जबकि हमें पूरी फुटेज पे अप्लाई करना नहीं है, मुझे सिर्फ़ इसके सनलाइट सन के ऊपर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं मास्क क्रिएट करूँगा एक, ठीक है, ओके। ऐसा एक मास्क क्रिएट कर लेना है, ओके, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से ऑटोमेटिक ट्रैक करते ना, ऐसे यहाँ से राइट क्लिक करके ट्रैक कर सकते हैं मास्क को, लेकिन मेरी केस में ये ट्रैक हुआ नहीं, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, हम मैनुअली भी एनिमेट कर सकते हैं इसको, ठीक है, ओके। तो सॉरी, ठीक है, आइए अब इसको धीरे धीरे करके मूव करते हैं। हाँ इसको, ठीक है, मास्क को बस अच्छे से क्रिएट करना है, बाकी कुछ ऐसा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है इसमें, ठीक है, ओके। ओके, तो इतना इतना काफ़ी है। तो अब अगर इसको प्ले करके देखोगे इस एनिमेशन को, तो ये जो टर्बुलेंट डिस्प्लेस वाला इफेक्ट है, ये सिर्फ हमारे सन के ऊपर ही अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो यही थी इसकी कंपोजिटिंग, और ऐसे ही इसके जो थ्रस्टर्स हैं इनके पीछे भी हम कर सकते हैं ऐसी सेम टाइप की टर्बुलेंट डिस्प्लेस इफेक्ट लगा करके। तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा, और दिखने में लगता है कि हाँ एक्चुअल में हीट वेव्स हैं यहाँ पर, ठीक है। इसकी बहुत सारी सेटिंग्स है, और अलग अलग तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं पिछले 3 महीने से स्पेस में घूम रहा हूँ, और जो मैं ढूंढ रहा था वो मुझे अभी तक नहीं मिला। पता नहीं ये स्पेसशिप कभी कब ख़त्म हो जाए। जावेस, ज़रा दिखाओ मुझे यहाँ पर आसपास कोई प्लेनेट है क्या? यस सर, आपके सामने जो स्टार दिख रहा है उसके पीछे मुझे एक प्लेनेट मिला है, जिसके पास अपने खुद के 2 मून्स हैं। अगर आप कहें तो मैं वहाँ पर चलने की तैयारी करता हूँ सर। हाँ बिल्कुल, हम देख सकते हैं वहाँ चल के, तो फिर चलते हैं। तो अब बात करते हैं जिन लोगों ने भी ये सारे कमेंट्स किए थे, तो उन लोगों को मैं एक बात बता देता हूँ पहले, कि भाई देखो मैं अब प्रिज्म 3D पे अब मैं काम नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैं PC पे अपग्रेड कर चुका हूँ, ठीक है। और अगर आपको अभी भी प्रिज्म 3D पे काम करना है, तो आप मेरे पुराने ट्यूटोरियल्स देख सकते हो, मैंने उनमें सब चीज़ें कवर की हुई हैं, ठीक है। जैसे ट्रैकिंग हो गया, 3D ट्रैकिंग, या फिर CGI एलिमेंट रियल वीडियो में ऐड करना, या फिर एनिमेशन मिक्सा हो गया, एनिमेशन कैरेक्टर एनिमेशन, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने, जो मतलब मोबाइल में जितनी चीज़ें लगभग पॉसिबल हो सकती थी, वो लगभग लगभग सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो के अंदर कवर कर रखी हैं, वो पुराने वीडियोस के अंदर, ठीक है। तो जाके वो वाले वीडियोस देख सकते हो, अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो, क्योंकि मुझे अपने करियर पे भी फोकस करना है, ठीक है। अगर मैं
प्रिज्म 3D पे काम करता हूँ, तो मेरा कोई करियर नहीं है उसमें भाई, समझते हो ये बात आप भी। एक टाइम के बाद आपको भी प्रिज्म 3D से स्विच करना पड़ेगा किसी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर पर, क्योंकि मोबाइल की बहुत सारी लिमिट्स होती हैं, ठीक है, उनसे ज़्यादा हम काम नहीं कर सकते मोबाइल पे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब मेरी बात समझ गए होगे, और आप चाहो तो मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाकी हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।